एक ऐसे कलाकार जो हमेशा ही नजर आते हैं पब्लिक से इंटरेक्ट करते, एक ऐसे कलाकार जो अपने आप को नहीं समझते एक सेलिब्रिटी और ऑटो रिक्शा में भी कर लेते हैं ट्रेवल। बात हो रही है लेजेंडरी एक्टर अनुपम खेर जी की, जो शेयर करते नजर आते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी डेली लाइफ की ढेरों अपडेट। तो वहीं अब राम लखन एक्टर ने शेयर की है एक बिग अनाउंसमेंट, जहां उन्होंने अपने फैन से पूछा है एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। हाल ही में अनुपम जी ने अनाउंस किया है अपना 525th प्रोजेक्ट। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिस पर लिखा है, आज मैं अपने करियर का 525वां प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी बहुत खूबसूरत कहानी है। इस टाइटल को लेकर हमारे माननीय प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मुझ में थोड़ी बहस चल रही है, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आप लोगों से पूछा जाए। और ये लिखते हुए उन्होंने शेयर किए हैं 4 options फॉर हिज फिल्म्स टाइटल, द लास्ट सिग्नेचर, सार्थक, निर्णय और दस्तक। बस अनुपम जी के पूछने की ही देर थी कि उनके सभी फैंस ने सजेस्ट करने शुरू कर दिए उन्हें नेम्स फॉर हिज नेक्स्ट मूवी। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो कसते हैं तंज सेलिब्रिटीज पर और निकालते हैं अपनी भड़ास। जैसे कोई लिखता नजर आया कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्किल है, तो कोई बोला कि आप इससे बेहतर अमित शाह जी से पूछ लेते, जहां इस अपकमिंग मूवी में पॉलिटिकल एंगल कोई भी नहीं होगा। तो वहीं अनुपम जी ने कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ जी के साथ पिक्चर जरूर शेयर की है, जहां वो लिखते नजर आ रहे हैं कुछ खास लाइंस फॉर सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, एज येस्टरडे वाज योगी जीज बर्थडे। वैसे आपको बता दें, हाल ही में अनुपम जी को ड्रामा फिल्म दी कश्मीर फाइल्स में देखा गया था, जहां उनकी परफॉर्मेंस को खूब अप्रिशिएट किया गया था। और अगर उनकी अपकमिंग फिल्म्स की बात की जाए, तो उन्हें जल्द ही अमिताभ बच्चन जी एंड बमन ईरानी जी के साथ देखा जाएगा फिल्म ऊंचाई में, और साथ ही वो नजर आएंगे नीना गुप्ता जी के साथ फिल्म शिव शास्त्री बलबोआ में। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड अपडेट्स, कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।